हाय गाइस, मेरा नाम इतना, आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्त अनुशील को स्वागत है आप सभी का फेसबुक फ्री मनी मेकिंग कोर्स का फिफ्थ एपिसोड पे। दोस्तों, लास्ट एपिसोड पे हमने सीखा था कि फेसबुक का कोबर पिक और लोगो जो है वो आप कैसे क्रिएट करोगे और पेज सेटिंग के तहत पेज पे डालोगे। आज के एपिसोड पे एंटायर फेसबुक पेज सेटिंग के बारे में बारीकी से सीखूंगा, तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहना। वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा चला जाए, क्योंकि पेज सेटिंग जो है वो बारीकी से समझ के ही आपको काम करना है, क्योंकि ये जो पेज सेटिंग है यही आपके पेज को फेसबुक के जो रैंकिंग फैक्टर है उस पे बेनिफिट दिलाएगा। क्योंकि पेज अगर प्रॉपरली सेटअप होगा ऑप्टिमाइज करके, तो ही आपको पेज रैंकिंग पे बहुत ही ज्यादा अव्वल दर्जे का रैंकिंग मिलेगा, जिससे आपका पेज का वायरल फैक्टर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बिना कि आपको बोर, चलिए एपिसोड पे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पेज सेटिंग के लिए आपको सबसे पहले तो आपके पेज पे आना है, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा सेटिंग बटन, इस पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करोगे तो पेज सेटिंग के अंदर दोस्तों ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आपको दिखने के लिए मिलेगा, जो अभी आप लोग देख रहे हो। ये सारे ऑप्शन को प्रॉपर वे में ऑप्टिमाइज करके सेटअप करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर ये सेटअप प्रॉपर होगा तो ही आगे चल के एज ए क्रिएटर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे पेज सेटिंग पे आता है जनरल। तो जनरल पे ऑलरेडी मैं बाय डिफॉल्ट हूं, तो पहले इसका सेटिंग हम जान लेते हैं क्या क्या करना है। आपको भी इसी तरीके से पेज के हर एक ऑप्शन को सेटिंग कर लेना है। तो सबसे पहले आता है बाय डिफॉल्ट पेज विजिबिलिटी, जो कि ऑलरेडी पब्लिश्ड है, तो इसको पब्लिश्ड ही रखना है आपको। उसके बाद आता है विजिटर पोस्ट। दोस्तों, विजिटर पोस्ट जो ऑप्शन रहता है इसको आपको यहाँ पे जाके हमेशा डिसेबल करके रखना है। ये मैंने खुद करके रखा है, बाय डिफॉल्ट अलाउ रहता है, आपको डिसेबल करना है, नहीं तो विजिटर या ऑडियंस जो है वो कुछ भी आके आपके पेज पे पोस्ट कर सकते हैं, जिससे आपके पेज के पॉलिसी पे इश्यू आने का खतरा रहता है। इसीलिए बेहतर रहेगा आप इसको डिसेबल करके रखो, जैसे कि मैंने रखा है। उसके बाद दोस्तों, अगला जो सेटिंग है वो है न्यूज फीड ऑडियंस एंड विजिबिलिटी फॉर पोस्ट। तो इस पे आपको जाके मैं दिखा देता हूं, इस पे मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो आपको इस पे कुछ भी सेटअप नहीं करना है, क्योंकि हमें हमारे ऑडियंस को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, एक पर्टिकुलर ऑडियंस को ही सिर्फ टारगेट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हम एज ए क्रिएटर काम कर रहे हैं, एज ए बिजनेस नहीं। तो क्रिएटर का काम है जितना ज्यादा हो सके अपने कॉन्टेंट को लोगों तक फैलाना, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को चेक नहीं कर रहा हूं। उसके बाद दोस्तों आता है पोस्ट एंड शेयरिंग। ये वाला ऑप्शन को आपको हमेशा ऑन रखना है, मैंने ऑन ही रखा है। ये ऑन रखोगे तो दूसरा जो आपके ऑडियंस होगा वो आपके पेज के पोस्ट को, आपके पेज के स्टोरी को शेयर कर पाएगा, जिससे आपका विजिबिलिटी और बढ़ेगा। तो हमेशा इसको ऑन ही रखना है। अगला जो आता है वो आता है मैसेज। तो मैसेज पे जाके मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं यह क्या करना है। आपको अलाउ करके रखो, ये अलाउ करके इसलिए रखो ताकि आपका ऑडियंस आपसे एक कम्युनिकेशन बना पाए मैसेज के द्वारा। यहाँ पे दोस्तों हो सकता है इस मैसेज को एक्टिव रखने के वजह से, अलाउ रखने के वजह से आपको स्पैम मैसेजेस आए, जिसको आप फिल्टर आउट कर सकते हो, आगे चल के ये समझ लूंगा। और उसी के साथ एक खतरा आपको ये रहता है कि ब्रांड आपको कांटेक्ट तो करते हैं, मगर ब्रांड के साथ फेक मेल, फेक मैसेजेस काफी आते हैं मैसेज ऑप्शन के तहत, और फेक मैसेज से आपको बचना है। इसीलिए ब्रांड ही हो या कोई फेक ही यूजर हो, जो भी आपको कुछ भी भेजे, कोई भी लिंक हो, वो फेसबुक से ही हो, वो लिंक को आपको कभी भी जिंदगी में क्लिक नहीं करना है। क्लिक करोगे तो ही आपका पेज हैक होने का चांसेस बना रहेगा। तो यहाँ पे मैंने क्लियर कट कर दिया, कोई भी लिंक को कोई भी एक्सेस पेज पे नहीं देना है, वो भले फेसबुक के लिंक से ही आए, याद रखना। दूसरा जो ऑप्शन है वो है अभी टैगिंग एबिलिटी। तो इसको मैंने क्या करके रखा है ये आप देख लो, आपको भी ऐसा ही रखना है। इसको मैंने अलाउ करके रखा है, टिक मार्क करके सेव कर दिया, अलाउ करके रखा है ताकि दूसरा आदमी टैग कर पाए अपने कंटेंट के अंदर, ताकि हमारे कंटेंट को विजिबिलिटी मिले।
आधा टैगिंग ऑप्शन इसको मैंने क्या करके रखा है ये भी आप लोग देख लो, अलाउ करके रखा है ताकि आधा लोग भी टैग कर पाए। टैग जितना करेगा आपके कंटेंट को उतना ही विजिबिलिटी मिलेगा, तो उससे आपको कोई इशू नहीं होगा। अब आता है कंट्री रेस्ट्रिक्शन, ये आप देख सकते हो मैंने रखा है पेज विजिबल टू एवरीवन, आपको भी यही रखना है क्योंकि आपको किसी भी कंट्री पे अपने कंटेंट को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, क्योंकि आप क्रिएटर हो, कोई भी कंट्री से वीडियो को देखेगा आपको ही विजिबिलिटी मिलेगा, आपको ही रीच मिलेगा। उसके बाद एज रेस्ट्रिक्शन, इसको भी एवरीवन करके रखो। अगर आपका कंटेंट किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए है तो आप कर सकते हो इसको सेट, मगर मेरा तो यही रहेगा कि आप इसको रेस्ट्रिक्ट मत करो। यहाँ पे आप देख सकते हो 70, 80 करके एज रेस्ट्रिक्टेड है, मगर एज ए क्रिएटर अगर आप पेज को चला रहे हो, एज ए बिजनेस नहीं, तो आपका टारगेट होना चाहिए मैक्सिमम रीच। यहाँ पे आपको कोई भी एज रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है, तो मैं तो यहाँ पे एवरीवन ही इसीलिए रख रहा हूं। अगला जो दोस्तों पॉइंट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज मॉडरेशन। जैसे कि मैंने कहा कि आपके मैसेज बॉक्स पे या आपके पेज के कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी नेगेटिविटी फैला रहा है, कोई भी स्पैम एक्टिविटी हो रहा है, तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हो पेज मॉडरेशन के तहत। इस पे आपको जाके एडिट पे क्लिक करना है और जो भी आपको लगता है गंदा कमेंट या गंदा फ्रेज यूज किया जा रहा है उसको आपको यहाँ पे लिख के कॉमा 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 करके एक एक कीवर्ड को ऐड करते जाना है। से फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ लिखा और उसके बाद कॉमा दे दिया, इसी वर्ड को मैं चाहता हूं नहीं आए मेरे कमेंट सेक्शन में, तो इस कोई भी बंदा किसी भी सेंटेंस को लिखता है और उसके बीच पे ये वर्ड यूज किया जाता है तो वो जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, वो मैसेज हाइड हो जाएगा, वो कमेंट हाइड हो जाएगा, किसी को देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ऐसे कॉमा करके फिर आप कुछ भी जो भी लिखना चाहते हो, जो जो वर्ड को आप ब्लॉक करना चाहते हो, ऐसे कॉमा कॉमा करके यहाँ पे लिख देना है। और हमेशा याद रखना सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में आपको लिख के रखना है, क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल को अलग अलग ट्रीट करता है। होप आप लोगों ने समझ गए होंगे। अगला जो ऑप्शन है ये बहुत बहुत किफायती है, ये है प्रोफिनिटी फिल्टर। इसको आपको हमेशा स्ट्रांग रखना है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो कुछ नहीं रहेगा, ऑफ रहता है, मगर इसको स्ट्रांग करके रखना है, आपको सेव फिर कर देना है। इसको स्ट्रांग रखोगे तो फेसबुक कम्युनिटी में जो जो वर्ड रिपोर्ट ज्यादा होते हैं लोगों के द्वारा, उसको फेसबुक बाय डिफॉल्ट ब्लॉक कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट उसको हाइड कर देते हैं। तो अगर आप चाहते हो वही वर्ड आपके पेज पे अगर कमेंट सेक्शन पे आए तो वो भी हाइड हो जाए, वो भी ब्लॉक हो जाए, तो आपको प्रोफिनिटी पे स्ट्रांग वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखना है। अगला जो दोस्तों ऑप्शन है ये बहुत किफायती है, सिमिलर पेज सजेशन। ये तभी आपको काम में लगेगा जब आपके पेज के जैसा सिमिलर पेज को लाइक करके रखोगे, या फिर आप चाहते हो कि आपका पेज का रिलेटेड सिमिलर पेज के रिकमेंडेशन पे आपका पेज भी जाए, तो इसीलिए आपको इसको हमेशा चेकमार्क करके रखना है। तो ये ऑप्शन के बाद अगला जो पॉइंट है वो है पेज अपडेट। तो ये पेज अपडेट वाला जो ऑप्शन है ये भी आप देख लो मैं कौन सा सिलेक्ट करके रखा हूँ। ये ऑटोमेटिकली पब्लिश पोस्ट व्हेन इंफॉर्मेशन इज अपडेटेड ऑन पेज, तो ये आपको क्लिक करके रखना है। उसके बाद आता है पेज पोस्ट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एज ए क्रिएटर पर्सपेक्टिव। इसको हमेशा आपको ऑन करके रखना है, जब आप इसको ऑन करके रखोगे, अलाउ करके रखोगे, सेव चेंज करके रखोगे, तो आपको क्या होगा, अगर मान लो आप से फॉर एग्जांपल हिंदी में लिखते हो कैप्शन और जो आपका ऑडियंस है वो बंगाली वाला है और बंगाली में पढ़ना ही उसको अच्छा लगता है कैप्शन को, और उसने उसके पेज मतलब प्रोफाइल पे सेटिंग भी ऐसे ही करके रखा है, तो ये ऑप्शन अगर अलाउ रहेगा तो भले आप उस कैप्शन को हिंदी में लिखो, उसी कैप्शन को उस बंदे को पर्टिकुलर ऑडियंस को बंगाली में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये ऑप्शन अगर ऑन रखोगे तो एंगेजमेंट बढ़ेगा, तो ये आपको हमेशा अलाउ करके रखना है। अगला है ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली, ये वाला जो ऑप्शन है ये भी देख लो मैंने कौन सा करके रखा है, तो इसको मैंने चेकमार्क करके रखा है, तो आपको भी यही करना है ताकि आपको मैक्सिमम वैल्यू मिले। उसके बाद आता है दोस्तों कमेंट रैंकिंग, तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ये डिफॉल्ट रहेगा, आपको इसको सी मोर रेलिवेंट कमेंट बाय डिफॉल्ट ये चेक करके सेव करके रखना है। इससे होगा क्या, आपके पर्टिकुलर पेज के पोस्ट पे जो रेलिवेंट कमेंट होगा उसको सबसे ऊपर शो करेगा, इससे आपका एंगेजमेंट और बढ़ेगा, रीच और बढ़ेगा, तो इसको हमेशा चेक करके रखना है। और कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस पे आपको जाके डाउनलोड को
जो है प्रोहिबिटेड करना है, ताकि आपके कंटेंट को कोई भी बंदा कॉपी करके डाउनलोड ना कर पाए। तो इसको हमेशा चेक करके रखना है इसी वजह से। उसके बाद है डाउनलोड पेज, ये तो डिफॉल्ट रहेगा, आप कुछ भी करो ये सब देख सकते हो, डिफॉल्ट रहेगा, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे लोग समझते नहीं है, मर्ज पेजेस। यहाँ पे डुप्लीकेट पेजेस को मर्ज कर सकते हो। अगर आपके पास एक ही नाम से, एक ही टाइप के ऑडियंस से, एक ही टाइप के पोस्ट है, तो उन दोनों पेज को आप मर्ज कर सकते हो। मगर मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, आप गलती से भी नॉर्मल वे में पेज को मर्ज मत किया करो। मर्ज करने से पेज जो है वो अनपब्लिश्ड हो जाता है मैक्सिमम केसेस पे, और ये इस वजह से होता है, हालांकि हम सोचते हैं हमारा दोनों ही पेज सिमिलर है, मगर उस पे ऑडियंस अलग अलग टाइप के होता है, और फेसबुक के एल्गोरिदम को लगता है कि आप जो है आपके ऑडियंस के तहत ट्रांसपेरेंसी नहीं बना के रख रहे हो, दोनों पेज अलग अलग है, इसीलिए मर्ज करने पे पेज को अनपब्लिश्ड कर देते हैं। अनपब्लिश्ड कर देगा तो पेज जो है विजिबल ही नहीं होगा फेसबुक प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत गलत असर हो जाता है मर्ज का। अगर आपको सही वे में मर्ज का बेनिफिट उठाना है तो आप मेरे फेसबुक टॉप सीक्रेट शो में जाके जरूर देखना पेज को प्रॉपरली मर्ज किस किस कंडीशन पे कैसे किया जाता है, मैंने पूरा एक्सप्लेन करके रखा है। अगला जो ऑप्शन है ये हमको नहीं करना है, डिलीट हमको नहीं करना है, तो ये हम छोड़ देते हैं। तो यही कुल मिला के जनरल वाला सेटिंग पे आपको करना है। उसके बाद दोस्तों आता है मैसेजिंग। ये ऑप्शन का मैक्सिमम बेनिफिट तब मिलेगा जब आप ऑटो रेस्पॉन्स ऑप्शन को ऑन करके रखोगे, क्योंकि हो सकता है आपके फेसबुक अकाउंट पे 2400 घंटे एक्टिव ना रहो, मगर आपका ऑडियंस 24 घंटे में किसी भी टाइम पे मैसेज कर सकते हैं, तो इंस्टेंटली उन लोगों को एक रिप्लाई जाए, उसके लिए आपको ऑटो रेस्पॉन्स ऑन करके रखना है। इससे आपका पेज का जो रेस्पॉन्सिवनेस है वो बढ़ेगा। उसके लिए दोस्तों आपको जो है नीचे आना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो सेटअप ऑटो रेस्पॉन्स करके एक ऑप्शन रहता है, तो इसको आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करने के बाद आप रिडायरेक्ट होके आ जाओगे मैसेज रेस्पॉन्डर पार्ट पे। ये जो है ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, आपको इसको सबसे पहले ऑन कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप वो मैसेज लिख सकते हो जो आप ऑटो रेस्पॉन्स भेजना चाहते हो। यहाँ पे हमेशा मैं यही मैसेज रहता हूँ, हाई फॉर मैसेज, थैंक्स फॉर मैसेजिंग। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हो, डायरेक्टली वन टू वन इंटरेक्शन करना चाहते हो, तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आ जाओ, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे ही ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। इससे होता यह है कि एक तो मैसेज का रेस्पॉन्स इंस्टेंटली हो जाता है, और ट्रैफिक को मैं स्विच कर रहा हूँ फेसबुक से इंस्टाग्राम पे। तो अगर आप भी ऐसा ट्रिक यूज करके आपका ऑडियंस को एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से दूसरे पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ले जाना चाहते हो, तो आप भी ये ट्रिक यूज कर सकते हो। ये लिखने के बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक कर देने के बाद आप जैसे ही कोई बंदा आपको मैसेज भेजेगा, ऐसे ऑटो रेस्पॉन्स उसको चला जाएगा। तो ये सेटिंग भी आपको कर लेना है। अब अगला जो पॉइंट है उसके तरफ बढ़ता हूं दोस्तों। मैसेज के बाद अगला जो पॉइंट है वो है पेज इन्फो, जो कि हम पेज क्रिएट करते टाइम दो बहुत ही खास फील्ड को भर दिया था। सबसे पहला था पेज का नाम सिलेक्शन, और दूसरा था कैटेगरी। ये दोनों पहले से ही भर गया, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है पेज इन्फो जब हमने पेज क्रिएट किया था तभी भर दिया था, और उसके साथ डिस्क्रिप्शन भी पेज क्रिएट करते टाइम ही ट्रिक फुल्ली एसईओ करके, मतलब हमारे सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करें, हमारे पेज जो है सर्च पे जाए, उसको मद्देनजर रखते हुए दीप्तनुशील और फेसबुक शॉर्ट वीडियो ये लिख के हमने इसको ऑप्टिमाइज किया था। मगर आपको ये फील्ड खाली दिखेगा उसके बाद भी। ये होता है यूजर नेम। यूजर नेम इन द सेंस आपका facebook.com के बाद जो लिखा हुआ आता है यहाँ पे, ये होता है यूजर नेम। तो ये अगर आप ऑप्टिमाइज करोगे तो हो सकता है कोई भी बंदा दीप्तनुशील शॉर्ट वीडियो को ढूंढेगा तो फेसबुक पे आपका जो लिंक है, आपका जो फेसबुक है अकाउंट या पेज, वो ही सबसे ऊपर आए। इसीलिए यूजर नेम को भी हमें ऑप्टिमाइज करना होता है, जिससे हमें एसईओ वैल्यू मिलता है। तो हमने ट्रिकफुली यूजर नेम जो है वो पेज नेम ही रखा है। आप देख सकते हो दीप्तनुशील शॉर्ट वीडियो, तो हमने इसको, ये केस सेंसिटिव होता है, हमने इसको लोअर केस पे लिखा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दीप्तनुशील शॉर्ट वीडियो ही लिखा है एसईओ को मद्देनजर रखते हुए। तो ये बहुत ही किफायती स्टेप है, इसको भी आपको करना है। उसके बाद कैटेगरी तो पहले से ही आप फिल कर लोगे एट द टाइम ऑफ पेज क्रिएशन। अब आता है कॉन्टैक्ट नंबर का बारी। तो ये फेसबुक के एल्गोरिदम की तरफ से
आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर देना ही है, मगर ये कॉन्टैक्ट नंबर किसी भी हाल पे आपने जिस अकाउंट से मतलब जिस कॉन्टैक्ट नंबर से आपने पेज को या प्रोफाइल को क्रिएट किए हो गलती से भी वो नंबर यहाँ पे नहीं देना है। और उसी के साथ ईमेल एड्रेस भी आपको यहाँ पे जरूर फिल करना है, कोई सेकेंडरी ईमेल आपको यहाँ पे देना है, प्राइमरी ईमेल जिससे आपने अकाउंट या पेज क्रिएट किए हो वो बिल्कुल भी नहीं देना है। ये दोनों इसीलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि लोग जो है आपसे भी बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, स्पेशली हैकर लोग, वो लोग क्या करते हैं इसी फोन नंबर और इसी ईमेल को यूज करके फिर आपके मेल पे या फिर आपके मोबाइल नंबर पे कुछ ऐसा मैसेजेस भेजेगा जिससे आप मजबूर हो जाओगे आपके जो भी मैसेज आया है उस पे लिंक पे क्लिक करने के लिए और हो जाएगा पेज हैक। तो इसीलिए सेकेंडरी रहेगा तो आपको ऐसा मैसेजेस भी आएगा तो आपको कोई परवाह नहीं क्योंकि वो आप प्राइमरी मेल नहीं यूज कर रहे हो। तो इसीलिए आपको यहाँ पे सेकेंडरी फोन नंबर और सेकेंडरी ईमेल एड्रेस डालना है। तो ये दोनों चीज सबसे इंपॉर्टेंट है और उसके साथ वेबसाइट जो है ये भी विजिबिलिटी को बढ़ाता है, ये भी फेसबुक के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड ज्यादा कराता है, रैंकिंग में अलग ही असर डालता है। तो अगर आपके पास कोई भी वेबसाइट है तो आप वेबसाइट लिंक डाल सकते हो, इनकेस आप एज ए क्रिएटर कोई वेबसाइट नहीं है तो उस केस पे अगर आप कोई भी दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे कि यूट्यूब इंस्टाग्राम हो गया उस पर एक्टिव हो उस पर अकाउंट है तो उसका लिंक यहाँ पे डाल दो। और उसके बाद जो एड्रेस है ये भी फिल करोगे तो इस पर भी ट्रांसपेरेंसी लेवल पे आपको ऑथेंटिसिटी लेवल बहुत ज्यादा होगा, ये भी अच्छा ही करेगा क्योंकि लोग इन सारे चीजों को बराबर से फिल नहीं करता है, आपको करना है अगर आपको आपके पेज के रैंकिंग को अपर लेके जाना है। तो यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस डाल दो आपके जो भी लोकेशन है और उसके बाद यहाँ पे सिटी और यहाँ पे पोस्टल कोड, यहाँ पे पोस्ट कोड जो है इसका मतलब जिप कोड होता है, एरिया कोड होता है, वही आपको यहाँ पे डालना है। इतना सा आप अगर फिल कर लोगे बाकी जो मतलब ऑप्शन है वो आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा एज ए क्रिएटर पर्सपेक्टिव। मगर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमें आपके जैसे पेज को सजाना है तो उसके लिए आपको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तीनों में एसईओ करना है बराबर से। एसईओ इन द सेंस कि आपका पेज जिस नाम से है या फिर जिस टॉपिक के ऊपर है कोई भी बंदा उस टॉपिक को अगर फेसबुक पे सर्च करे तो आपका पेज ही सबसे ऊपर उसको रिकमेंड हो, सजेस्ट हो। इसके लिए आपको ट्रिकफुली वही कीवर्ड को डिस्क्रिप्शन के जैसा लिख के नोट के जैसा लिख के यहाँ पे लिख देना है ताकि एसईओ वैल्यू आपको बराबर से मिले। ये स्टेप कर लेने के बाद अगला जो स्टेप आता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टेम्पलेट एंड टैब। मतलब पेज का जो डिजाइन होता है जो आउटर लुक होता है वो डिपेंड करता है टेम्पलेट एंड टैब के ऊपर। और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ एज ए क्रिएटर आपको जो है ये एडिट वाला बटन पे क्लिक करके सिंपली से जाके वीडियो पेज को सिलेक्ट कर लेने के लिए। बाय डिफॉल्ट जब आप पेज क्रिएट करते हो तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहता है, अभी मैंने सिलेक्ट कर लिया है इसीलिए वीडियो पेज जो है ये सिलेक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। और ये आपको तब पता चलेगा, देख सकते हो दूसरे कलर में से ये थोड़ा सा नीला है तो ये सिलेक्टेड है, तो आपको ये करना है। उसके बाद दोस्तों आता है नेक्स्ट पॉइंट, नोटिफिकेशन। ये बाय डिफॉल्ट जितने भी ऑप्शन ऑन है उसको ऐसे ही रहने दो ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों एडवांस मैसेजिंग ऑप्शन इग्नोर करो, ये आपके लिए नहीं है, ये बिजनेस के लिए है जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एप्स वगैरह डाल के रखते हैं उन लोगों के लिए है ट्रैक फैक करने के लिए और मैसेज को रिप्लाई करके सेल जो है उसको बढ़ाने के लिए, तो इसको आपको उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगला पॉइंट आता है पेज रोल, जो कि हर एक क्रिएटर के लिए बहुत बहुत वाइटल है। दोस्तों याद रखना जब भी आप पेज क्रिएट करते हो कोई भी पर्टिकुलर अकाउंट से तो बाय डिफॉल्ट वो अकाउंट जो है वो हो जाता है आपका एडमिन, मतलब आपका पेज का सबसे ज्यादा जो कंट्रोल है वो उसके पास ही रहता है। और बहुत सारे लोगों को आज के डेट पे ये पता नहीं है कि एडमिन के ऊपर भी एक होता है ओनर, और ओनर जो है वो पेज पे तब बनते हैं जब आपके फेसबुक बिजनेस अकाउंट को यानी कि जिससे आप एडवर्टाइजर लोग एडवर्टाइज करते हैं मतलब आप जब एड रन करते हो उस एड अकाउंट से अगर आप आपके पेज को ले जाके उस एड अकाउंट के अंदर डाल देते हो उस केस पे वो एड अकाउंट आपके पेज का ओनर बन जाता है। तो ये होता है दरअसल बिजनेस ये वाला अकाउंट से, ठीक है, business.facebook.com इसी से हम लोग एड वगैरह रन करते हैं। और जब हम सेटिंग पे जाते हैं सेटिंग पे जाके हम यहाँ पे ऑप्शन रहेगा जैसे कि मैंने ऑलरेडी दीप्तनुशील को एडमिन रोल देके रखा है, यहाँ पे देख सकते हो पेज सेटिंग पे जाके आप लोग ये सब जो है पेज रोल के अंदर देख पाओगे, सेम सिमिलर है।
तो यहाँ पे आप जो है देख पाओगे, जब आप किसी भी बिजनेस अकाउंट के अंदर अपने पेज को घुसाओगे तो आपको यहाँ पे ओनर शो करेगा, ठीक है, उसी बिजनेस आईडी से। मगर ये डिपेंड करता है या फिर ये करना होता है आपके पेज को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज के डेट पे ये भी पता नहीं है कि ये बिजनेस अकाउंट होता क्या है, ओनर होता क्या है, और बहुत सारे लोग इसी मतलब वीकनेस को यूज करके आपके पेज का ओनर बन जाता है और आपको पता तक नहीं चलता है। और ये स्पेशली होता है स्पॉन्सरशिप के बहाने, आपको कहेगा कि आप जो है आपके पेज को हमारे अकाउंट पे ऐड करो ताकि आपके पेज पे हम एडवर्टाइज कर पाए और उसके लिए आपको पैसा देगा। ये अगर कोई भी बंदा आपको कोई भी लिंक भेजता है और एडवर्ड अकाउंट पे ऐड करने के लिए गेट स्टार्टेड का ऑप्शन ये सब करने के लिए बोलता है, बिल्कुल भी मत करना। आप एडमिन हो, एडमिन ही सही हो, आपको जरूरत नहीं है ओनर बनने का। अगर आप किसी को ओनर नहीं बनाओगे तो कोई भी बंदा आपको एडमिनशिप से हटा नहीं पाएगा। तो बेहतर ये होगा कोई लिंक विंक पे क्लिक मत करो, आप ओनर बनो ना बनो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक चीज है, आप अगर एक अकाउंट से पेज को क्रिएट करते हो और उस अकाउंट को इन फ्यूचर कुछ हो जाता है, अकाउंट डिजेबल हो जाता है, तो आपको आपके पेज पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है। इस वजह से जितने भी ट्रस्टेबल सोर्स है, आपके मम्मी पापा भाई बहन, उनको भी एडमिन रोल देके रखो। और यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिन रोल देने का ऑप्शन है, यहाँ पे सिंपली से जाके आप जिसको एडमिन बनाना चाहते हो उसका प्रोफाइल नेम दे दो और उसके साथ आप रोल चूज कर लो, जैसे एडमिन चूज कर लिए तो एडमिन, उसके बाद ऐड कर देना है और वहां से जिसको आपने ऐड किया है उसको एक्सेप्ट करना है, तो वो बंदा भी यहाँ पे आ जाएगा एडमिन रोल पे। तो ऐसे करके आप दो तीन जन को एडमिन रोल दे दो तीन जन को एडिटर बना के रखो, मॉडरेटर बना के रखो, ताकि आपका एक एडमिन में कुछ भी इशू आए तो आप फिर भी पेज को एक्सेस कर पाओ एज ए एडमिन। और एक चीज बताऊंगा, ये जरूर ध्यान रखना, जितने भी एडमिन या फिर जितने भी आप एडिटर रोल पे दे रहे हो उनके अकाउंट से कोई भी गलत काम ना हो। गलत काम इन द सेंस फेसबुक के रूल्स गाइडलाइंस के खिलाफ जाके वो बंदा कोई अनशन पोस्ट ना करे, अगर वो करेगा तो उस अकाउंट का इफेक्ट आपके पेज पे भी आ सकता है। तो ये भी आपको सोच समझ के करना है, एडमिन ऐड और एडमिन डिलीट। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है पीपल एंड अदर पेजेस। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है इसका यूज क्या है। तो ये आपको पता देगा कि आपके पेज पे कितना फॉलोअर है, कौन कौन फॉलोअर है, कौन आपके पेज को लाइक किए है, कौन आपके पेज को फॉलो किया है। और अगर आप उन्हीं फॉलोअर उन्हीं लाइक में से देखते हो कोई बंदा आपके पेज को स्पैम कर रहा है, नेगेटिविटी फैला रहा है, तो उस पर्टिकुलर बंदे को आप यहाँ पे जाके क्लिक करके बैन भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो बैन पीपल एंड पेज, कोई भी पेज अगर आपको स्पैम कर रहा है उसको भी बैन कर सकते हो, कोई व्यक्ति आपको स्पैम कर रहा है उसे भी बैन कर सकते हो। तो बैन पर्सन पे आपको क्लिक करना है, उस पर्सन का नाम या फिर उस पेज का नाम यहाँ पे डालना है और उसके बाद सेव कर देना है, तो वो बंदा कभी भी आपके पेज पे आके कोई भी स्पैम नहीं कर पाएगा फर्दर। तो ये बहुत ही इफेक्टिव ऑप्शन है। उसके बाद आता है प्रेफर्ड पेज ऑडियंस, जो कि अभी इसका सेटिंग नहीं होता है, आप नहीं कर पाओगे, पहले होता था, अभी इसको फेसबुक ने बंद ही करके रखा है आप कह सकते हो, तो इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद आता है ये वाला ऑप्शन, ये बहुत ही किफायती ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो एड वगैरह रन करते हैं, पेज को बूस्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों को आए दिन क्वेश्चन आता है कि मैं बूस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मगर जो मेरा ऐड है वो रन ही नहीं हो रहा है, रिव्यू पे ही अटका पड़ा रहता है। और ये सब होता है क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाइड आप नहीं करते हो, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं करते हो। अगर आपका भी ऐसा ही कुछ केस है तो आप ज़रूर उसको सबसे पहले वेरीफाई कर लो। देख सकते हो मेरा भी यहाँ पे पेंडिंग है, तो आपको कॉन्फर्म योर आइडेंटिटी करके व्यू पे जाके, व्यू पे जाओगे तो आपको पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल के यहाँ पे मैं पहले पासवर्ड डाल लेता हूँ और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ, ठीक है। पासवर्ड डाल के फिर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपको करवाना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हो कॉन्फर्म योर आइडेंटिटी कह रहा है, तो आपको यहाँ पे जाके ये जो प्रोटेक्ट योर अकाउंट है इस पर क्लिक करके आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह ऑन करके इसको वेरीफाई करवा लेना है। अगर ये कर लोगे तो इसका बेनिफिट आप ही लोगों को मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिंक करना है आपको ऐड अकाउंट और उसके बाद आपको ऐड रन करना है ताकि कोई इशू ना हो। तो हर एक अकाउंट के जो अकाउंट मेंबर होता है उसको ये करना होता है पेज पे ऐड रन करने के लिए।
ठीक है। और उसके बाद एड लिमिट, ये मैं तो छोड़ देता हूँ क्योंकि हमें पैसा कमाना है, मुझे पैसा नहीं देना है, तो मैं इन सारे चीज़ों पे ज़्यादा गौर नहीं करूँगा क्योंकि क्रिएटर को पैसा नहीं देना है, पैसा अर्न करना है। और ये ब्रांड कंटेंट जो है दोस्तों, ये आप जब ब्रांड कोलाब मैनेजर से मोनेटाइज करोगे तभी आपको सेटअप करना है, तो इनिशियल पे इसका कोई सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका पेज एलिजिबल हो जाए तभी इसको जाके आपको सेटअप करना है। और इसको कैसे सेटअप करना है उसके ऊपर डिटेल वीडियो है, जहाँ पे मैंने फेसबुक लाइव मोनेटाइजेशन प्रोसेस प्लेलिस्ट पे दिखा के भी रखा है। अब अगला आता है इंस्टाग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट पे, क्योंकि जो बंदा फेसबुक चलाता है उसका पेज होता है, उसका इंस्टाग्राम पे भी पेज होता है, तो दोनों पेज को आप लिंक करा सकते हो ताकि ट्रैफिक को इधर से उधर, उधर से इधर ला पाओ। तो इसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे क्लिक करके यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन करके, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है। और व्हाट्सअप जो है ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए होता है, अगर आप इस नंबर को दे के इसको कुछ भी करोगे तो आपको परेशानी ही सामना करना पड़ेगा, तो ये आप एज ए क्रिएटर इग्नोर करो। और ये फीचर वाला ऑप्शन बहुत किफ़ायती है और इसका वैल्यू आपको तभी मिलेगा जब आप एज ए पेज दूसरे पेज को लाइक करके रखोगे। और इसके ऊपर डिटेल में मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहो तो मेरे पहले वाले फेसबुक पेज सेटिंग प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, जो कि मैं इस वीडियो के आई बटन पे दे दूंगा, ठीक है। तो बाद में ये देख लेना कैसे करना होता है। अब आता है क्रॉस पोस्टिंग। इससे आपको एक पेज के पोस्ट को दूसरे पेज के पोस्ट मतलब दूसरे पेज पे पोस्ट करने के लिए आसानी होगा, क्रॉस पोस्ट हो जाता है, तो इससे आप एक पेज के ट्राफिक को दूसरे पेज पर ले जा सकते हो, ये भी किफ़ायती होता है। इसके लिए आपको सिंपली से जिस पेज पर आपको क्रॉस पोस्टिंग करना है उस पेज का यहाँ पे ऐसे नाम लिख दो, जैसे मैंने लिखा, और उसके बाद उस पेज को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, क्लिक करके सिलेक्ट कर लो और फिर इसको नेक्स्ट कर लो, तो ये आप जो है कर लोगे। यहाँ पे दो ऑप्शन रहता है, एक डायरेक्ट क्रॉस पोस्ट हो जाएगा अगर आप अप्रूव कर दोगे, और दूसरा है आपके अप्रूवल के बाद ही वो क्रॉस पोस्ट होगा, तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जो आपको सही लगे वो कर सकते हो। आज के डेट पे बहुत सारे जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, एक आर्टिस्ट को अपने पेज पे लाते हैं, वो लोग इस क्रॉस पोस्टिंग का बहुत यूजेस कर रहा है, क्योंकि इससे आपको एडमिनशिप देने की ज़रूरत नहीं है, पेज पे क्रॉस पोस्टिंग का इजाज़त दे दिया तो आपके पेज पे वो आर्टिस्ट उधर से लाइव होगा और क्रॉस पोस्ट करवा देगा उस लाइव को, तो उनके पेज पे भी लाइव चलेगा और आपके पेज पे भी वो बंदा लाइव आ जाएगा क्रॉस पोस्टिंग के द्वारा, तो इससे भी एंगेजमेंट बहुत बढ़ता है, बहुत सारे लोग आज के डेट पर इसका भी जो है यूज़ कर रहे हैं। मगर दोस्तों आज के डेट पर क्रॉस पोस्टिंग का जो वॉच टाइम होता है वो फेसबुक इंस्ट्रीम एड मोनेटाइजेशन के लिए काउंट नहीं होता है, जो कि आगे चल के आप लोगों को कोर्स पे पता चलेगा। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है पेज सपोर्ट बॉक्स। ये बहुत किफ़ायती ऑप्शन है, इसी के थ्रू हमें पता चलता है कि अगर किसी ने हमें रिपोर्ट किया है, हमारे कंटेंट को रिपोर्ट किया है, या फिर पेज पे कोई वायलेशन आया है, कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ है, हमने कुछ रूल्स ब्रेक किया है, तो यहाँ पे फेसबुक हमको वो रिपोर्ट बताता है। तो आपको अगर देखना है तो यहाँ पे ही देखना है। अगर आप फेसबुक के कोई रिक्वेस्ट करते हो, कोई क्वेरी करते हो, तो उसका जवाब भी आपको यहाँ पर ही देखने के लिए मिलता है, और ये पेज सेटिंग के अंदर पेज सपोर्ट इनबॉक्स पे ही रहता है। बहुत सारे लोगों को सपोर्ट बॉक्स कहाँ पे होता है वो पता नहीं है, तो आज के बाद शायद ये वीडियो देख लोगे तो ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट रहता है, ये पेमेंट हर देश के हिसाब से रहता है, इंडिया के लिए INR है आप देख सकते हो, तो ये बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगा जैसे ही आप पेज एक पर्टिकुलर कंट्री से क्रिएट करोगे। अगला जो पॉइंट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री। यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो आपके पेज पे अगर तीन एडमिन है तो तीनों एडमिन ने क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म किया है वो डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि मैं ही मेरे पेज का अभी बाय डिफॉल्ट एडमिन हूँ, तो मैंने इस पेज पे क्या क्या एज ए एडमिन किया है, एक तो दीप्तनुशील पेज क्रिएट किया है एज ए एडमिन, और दूसरा एक्टिविटी किया है कि यूज़र नेम चेंज किया है, जो कि SEO पे बहुत बेनिफिट देता है। आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे facebook.com के बाद दीप्तनुशील शॉर्ट वीडियो करके यूज़र नेम जो है वो मैंने चेंज किया था, तो वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ऐसे ही आपके पेज पे अगर चार एडमिन है, वो चार एडमिन क्या क्या चेंजेस कर रहा है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो पेज भी हैक होता है तो क्या क्या चेंजेस हुआ है वो भी डिटेल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये भी एक किफ़ायती ऑप्शन है पेज सेटिंग के हवाले से। अगला जो पॉइंट है वो है एक्टिविटी लॉग। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं एक्टिविटी लॉग क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, जो भी एक्शन आप आपके पेज पे लेते हो, पेज पे पोस्ट कर रहे हो, पेज को पोस्ट को शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, कॉमेंट कर रहे हो, ग्रुप पे शेयर कर रहे हो, वो सारे डिटेल यहाँ पे आता है।
और ये ऑप्शन तब आपको किफायती लगेगा जब आप मिस्टेक करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि जिस अकाउंट से आप पेज क्रिएट करते हो या फिर जिस अकाउंट से आप पेज पे एडमिनशिप या एडिटर रोल पे हो, उस अकाउंट से आपको कभी भी किसी भी कंटेंट को शेयर नहीं करना है। वो शेयर करोगे तो वो एंगेजमेंट बेट होता है, स्पैम होता है, और उसके वजह से आपके पेज पे इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का इशू आता है, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है। तो ये जब बंदा पहले से मेरे वीडियो नहीं देखता है, कोर्स को फॉलो नहीं करता है, उनको ये सारे डाउट क्रिएट होता है मिस्टेक करने के बाद, तो उस टाइम पे एक्टिविटी लॉग पे आके उनको याद होता है कि हाँ मैंने इस ग्रुप पे मेरे कंटेंट को शेयर किया था, तो फिर उस ग्रुप पे जाके उस कंटेंट को वहाँ से डिलीट करता है, अपने पेज से नहीं, जहाँ पे शेयर किया था वहाँ से डिलीट करता है, और उसके बाद ओरिजिनल कंटेंट डालते जाता है, फिर जाके पेज के इनऑथेंटिक एंगेजमेंट और लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू सॉर्ट आउट होता है। तो होप गाइस मैंने आज के इस एपिसोड के द्वारा पेज सेटिंग को लेके जितने भी ऑप्शन थे वो सारे मैंने इसी वीडियो के तहत कवर कर दिया। वीडियो थोड़ा लंबा वाला, इसीलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और क्या आप लोगों से बोलूँ, मगर नॉलेज पूरा था, 100% सही था। अगर आप भी इसी तरीके से पेज को सेटअप कर लोगे तो आगे चल के आपका पेज रैंकिंग बहुत अव्वल जाएगा, तो पॉसिबिलिटी होगा आपके पेज को हाई रैंक मिलने के लिए फेसबुक के हवाले से। मिलता हूँ अगले एपिसोड के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और मन पर काम कर दोस्तों, बाय।